उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस की एंटी स्नैचिंग रोबरी सेल द्वारा दो साथी स्नैचरों को गिरफ्तार कर ऐसे हाई प्रोफाइल गैंग का पर्दाफाश किया है जो देश की राजधानी के साथ विदेशों में बड़ी बड़ी पार्टियों में जाकर स्नैचिंग किया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी संख्या में स्मार्टफोन के साथ साथ एक पिस्टल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी असलम 38 साल और मुकेश उर्फ गोलू 22 साल दोनों उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी और हर्षविहार इलाके के रहने वाले हैं। दरअसल ये दोनों अपराधी अपनी पूरी गैंग के साथ उड़ीसा से दिल्ली आ रहे थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना मोजपुर में धर दबोचा। असलम गैंग का मास्टरमाइंड है, जिस पर 19 मामले दर्ज हैं। एंटी स्नैचिंग रोबरी सेल द्वारा पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि करीब 20 साल से वह चोरी जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देते आ रहे हैं, जिसमें 10 साल व 10 साल के ऊपर के किशोरों को वह अपने साथ चोरी की ट्रेनिंग भी दिया करते थे। इनकी सबसे खास बात ये थी कि इनको स्नैचिंग की वारदात करते वक्त पकड़ना बड़ी टेढ़ी खीर थी, क्योंकि इनका स्नैचिंग करने का अपना एक अलग ही अंदाज था। जिस पार्टी को अपना निशाना बनाते थे उसी पार्टी के मेहमानों जैसा रूप धारण कर वारदात को आसानी से अंजाम देकर फरार हो जाते थे। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आज तक आपने इस तरह की तस्वीरों को नहीं देखा होगा। मेज पर चोरी के फोनों से लिखा है नॉर्थ ईस्ट जिले का नाम। अपने आप में वाकई एक नई तस्वीर है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी रॉबरी एंटी स्नैचिंग सेल और एटीएस के पास में एक इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि एक हाई प्रोफाइल चोरों की गैंग है जो नेशनल इवेंट्स में जाती है और वहाँ से मोबाइल चोरी करके, काफ़ी मात्रा में मोबाइल चोरी करके वापस दिल्ली आती है। ये इन्फॉर्मेशन को धीरे धीरे डेवलप करा गया और फाइनली हमने इसको पूरा ट्रैक करा और 18 तारीख को हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि इस चोर के जो गैंग हैं ये लोग रथ यात्रा पूरी से कुछ मोबाइल चोरी करके लौटे हैं और इनको हम पकड़ सकते हैं। इमीडिएटली एसीपी गजेंद्र और इंस्पेक्टर विनय यादव की टीम ने ट्रैप लगाया 66 फुटा मौजपुर के पास में। वहाँ इन्फॉर्मर ने जैसे ही पॉइंट आउट करा तो दो लोगों को हमने रोका और उनसे सर्च करने पर पता चला कि उनके पास जो बैग था उसमें करीबन 46 मोबाइल जो कि उन्होंने रथ यात्रा पुरी से चुराए थे वो मिले और उनकी सर्चिंग फ्रिस्किंग से एक पिस्टल भी बरामद हुई और जिस मोटरसाइकिल पर वो जा रहे थे वो मोटरसाइकिल चोरी की निकली। इन दोनों लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है और इनसे बाकी पूछताछ करी तो पता चला कि एक लड़के का नाम असलम है जिसकी उम्र 38 साल है और ये नंदनगरी पुलिस स्टेशन का बीसी है। इसके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है करीबन 19 जिसमें चोरी लूट और बाकी आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। इसका जो साथी है उसका नाम मुकेश है जिसकी उम्र 22 साल है और इसके भी दो मुकदमे हैं। इन लोगों ने हमें बताया कि ये पहले करीबन 15-20 साल से गैंग ऑपरेट करता रहा असलम और धीरे धीरे करके इसने जुवेनाइल्स को ट्रेन करा और जब ट्रेन हो जाते थे तो उनसे इस तरह की वारदात कराता था। पिछले 4-5 साल से जो नेशनल इवेंट्स होती हैं उन पे इसकी खास नज़र रहती थी। इंटरनेट के थ्रू टिकट बुकिंग कराता था या फिर जो बड़े बड़े इवेंट्स जैसे कि IPL मैचेस, गोवा में कल्चरल फेस्टिवल, रथ यात्रा, गुजरात में फेस्टिवल हुए, ईद के टाइम पर दिल्ली की जो ईदगाह है वहाँ पर वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल हुआ, या मीका का एक इसने बताया कि एक इवेंट थी उसके टिकट लेके गए थे, वहाँ से भी इन्होंने मोबाइल चुराए थे। तो इस तरह से इन्होंने नेशनल इवेंट्स को निशाना बनाना शुरू करा और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तादाद में मोबाइल मिलते थे। हाल में जो ये रथ यात्रा से लौटे हैं इसमें 46 मोबाइल हमें मिले हैं, बाकी इनसे पूछताछ जारी है और हो सकता है कि इनसे फर्दर काफ़ी और बड़े खुलासे सामने आए। एंटी स्नैचिंग रोबरी सेल के द्वारा इन अपराधियों के पकड़े जाने से चोरी जैसी संगीन वारदातों में कुछ हद तक कमी आएगी और पुलिस को भी राहत की सांस मिलेगी। रोशनी राजपूत के साथ दिनेश सोलंकी की रिपोर्ट, तेज निगाहें दिल्ली।